सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछले क्लास में हमने नेटवर्किंग के बारे में लगभग 6 पाठ हम कर चुके थे। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे अचानक बीच में ये फंडामेंटल का पार्ट कैसे आ गया। मेरे पास में कई मेल आई है और कई कमेंट्स आए हैं इस चीज़ को कहने के लिए कि सर आप प्लीज़ हमें एटलीस्ट इतना बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। वैसे सबको पता है लेकिन इसमें से क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, और आपको बताऊं मैं कि इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि वो इसके बारे में प्रॉपर अच्छी तरह जानता है तो आप चाहो तो मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिसको 1% भी डाउट है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ नई चीजें आपने को मिल जाए। तो देखते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि लगभग तो आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंप्यूटर है दोस्तों, उसके अंदर जो आज मैं बता रहा हूं आपको वो है साइज के अकॉर्डिंग। अब ये साइज भी है, इनके परफॉर्मेंस भी है, इन दोनों के अकॉर्डिंग है। तो इसको बोल दिया मैंने देयर साइज एंड देयर टाइप, दोनों प्रकार से कैसे हम कंप्यूटर को बांटते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फिर नोटपैड वगैरह ये चीज़ क्या है, तो आप गौर से देख लीजिए कि कैटेगरी तो 4 ही हैं लेकिन कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक कैटेगरी है वो 4 ही होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब सबसे पहले देखिए एक डायग्राम से समझते हैं कि इसको कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर है और ये एरो का निशान भी क्या है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और नीचे जो सबसे कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, स्लो होने लग जाएंगे, वैसे वैसे कंप्यूटर चीप होने लग जाएंगे यानी सस्ते, सिंपल होने लग जाएंगे और स्मॉल होने लग जाएंगे। यानी सबसे सुपर कंप्यूटर है वो, तो सुपर कंप्यूटर सबसे क्या होगा, महंगा होगा, सबसे क्या होगा, फास्ट होगा, और सबसे कॉम्प्लेक्स होगा, और सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, दोनों में फ़र्क आएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे स्लो नीचे आ जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे तो सबसे फास्ट है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कंपेरिमेजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी जो है माइक्रो कंप्यूटर्स। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर्स ही ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं, मतलब आज के दुनिया में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 80-90% जो कंप्यूटर्स आपके आसपास दिख रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब इन माइक्रो कंप्यूटर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ये स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होती है और सिंगल यूजर होते हैं। बेसिकली इनमें एक सीपीयू होता है, एक इनपुट यूनिट होती है और एक आउटपुट यूनिट होता है, कुछ स्टोरेज यूनिट होती है और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारा जो पीसी है, जो लैपटॉप है, वो सब क्या है, उसमें सब में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, एक वहाँ पे इनपुट यूनिट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, जिसमें हम क्या होते हैं मॉनिटर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है और उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब मिला के क्या बन जाता है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स बन जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल IBM के पीसी थे जिसके अंदर पेंटियम की माइक्रो प्रोसेसर रेंज चली हुई थी, मतलब पेंटियम के जो प्रोसेसर चालू हुए थे P3 P4, ये इसके अंदर जो लगे थे स्टार्टिंग से, वो सब कौन थे, माइक्रो कंप्यूटर्स के पीसी थे। अब इसके अंदर जो बाद में जो कौन आया, वो आया था एप्पल का मैकिंटोस। एप्पल के जो आजकल नोटबुक्स आती हैं, एप्पल के जो कंप्यूटर आते हैं वो क्या होते हैं, एप्पल मैकिंटोस कहलाते हैं, वो भी किसके एग्जांपल हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। लेकिन इसके भी क्या होता है, इस कैटेगरी के अंदर भी क्या है, बहुत से कंप्यूटर आते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो कंप्यूटर्स आते हैं वो आपके सामने हैं, एक तो पीसी जो आपके हर किसी घर में मिलता है, एक लैपटॉप, एक होता है नेटबुक, एक होता है टैबलेट, PDA और स्मार्टफोन। ये सारे के सारे 6 के 6 हैं, ये सारे आपके सामने किस में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आएंगे। तो अगर किसी को नहीं पता था कि PDA और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर में आता है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि सारे के सारे किस में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही आएंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ तो आपको सबको पता है, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे PDA के बारे में पूछा था तो बता देता हूँ मैं PDA क्या होता है। कुछ ने मुझे पूछा नेटबुक क्या होती है, नेटबुक के बारे में बता देता हूँ और लाइव बताता हूँ आपको, बेसिक जो आप समझ सकोगे वैसे एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आपको 6 के 6 के जो डिफरेंसेज है वो पता लग जाएगा। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी कंप्यूटर है, और हो सकता है जो इस कंप्यूटर पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो वो कंप्यूटर कौन सा है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर वो क्या होगा, जिसके अंदर आपका इस प्रकार से मॉनिटर, उसके साथ में आपका क्या होगा, कीबोर्ड के साथ में एक होगा माउस, और आपका होगा एक CPU। तो ये सारा जो पार्ट होगा ये एक डेस्क के ऊपर
डेस्क किसे बोलते हैं, टेबल, एक डेस्क के ऊपर जब सारा ये रख के आप इस पर काम कर सकते हो, तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, डेस्क टॉप। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, उसका सीपीयू हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगी, हार्ड डिस्क आ जाएगी, उसका सिस्टम यूनिट हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएंगे, और एक वीडियो हो जाएगा, मतलब अपना ये जो मॉनिटर हो जाएगा, ये सब क्या कहलाएंगे आपके, इसके पार्ट्स कहलाएंगे। और इन सब पार्ट से मिलकर जो बनता है कंप्यूटर, और जिसको एक डेस्क पर रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका एग्जांपल आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, डेल, लिनोवा, एसर, कुछ नई कंपनियां भी, आसुस है, एसर है, ये सब कंपनियां भी क्या बनाती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाती है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं है। अगला है नोटबैक कंप्यूटर। नोटबैक का सिंपल सा नाम है लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में सबको पता है कि लैपटॉप आप लोग यूज करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम खराब करूंगा नहीं। सबको पता है लैपटॉप क्या होता है, कि उसमें फंक्शनैलिटी सेम वही होगी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा जो मेन चीज़ है वो है नेटबुक। यहाँ पर आपको कई लोगों को समझने की दिक्कत होती है कि नेटबुक और नोटबुक में फ़र्क क्या है। आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि 13 इंच और उससे छोटे जो होते हैं बेसिकली, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, नेटबुक के अंदर आते हैं। और 13 इंच से बड़े वाली कैटेगरी आज किसी में आ जाती है, 13.4, 15.6, ये कौन से होते हैं, लैपटॉप होते हैं। अब नेटबुक का एग्जाम्पल आपके सामने कौन सा है, तो नेटबुक का एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एप्पल का आईपैड। मेरे हिसाब से इतना ही, जिस अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से कोई 12-13 इंच का, 11 इंच का, 10 इंच का, इतना ही होता है। तो वो क्या होता है, आईपैड जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका नेटबुक होता है। उसके अंदर बेसिकली आपको इसलिए यूज होता है कि नेट का मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया चलाने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। तो आप देख लीजिए आईपैड के अंदर क्या करते हैं, आईपैड के अंदर बेसिकली लोग अपने गाने सुनते हैं, उसमें वीडियो देखते हैं, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, बेसिकली उसका यूज ही होता है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, नेटबुक्स डिलीवर द परफॉर्मेंस नीडेड टू एंजॉय पॉपुलर एक्टिविटीज लाइक स्ट्रीमिंग वीडियोज, म्यूजिक, ईमेलिंग, वेब सर्फिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग। बेसिकली काम इसके इसीलिए होते हैं, और इंटरनेट पे सारे काम होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट की बुक। और इंटरनेट एंड नोटबुक के नाम से मिलकर बना हुआ नेटबुक। तो कई स्टूडेंट्स को समस्या ये होती है कि नेटबुक का वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में नेटबुक होता क्या। तो आपको बता दें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आईपैड। आईपैड अपने आप में क्या है, एक नेटबुक है। फिर बात आती है टैबलेट की। अब 13 इंच से जो नीचे आ गए, 13 इंच से नीचे जैसे मैंने बात की, 13 इंच तक के तो क्या कहलाएंगे, नेटबुक। अब 8 और 10 इंच के जो आ गए, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके टैबलेट कहलाएंगे। जैसे लिनोवा का टैबलेट आते हैं, और आसुस के आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं, ये जो छोटे टैबलेट होते हैं 8 से 10 इंच के तक के होते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, टैबलेट। उन टैबलेट की खास बात क्या होगी, उनके लिए क्या चाहिएगा, एक स्टाइलस। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि टैबलेट के ऊपर या जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है उनके ऊपर जो पेन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उस पेन को बोलते हैं स्टाइलस। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि लाइट पेन और स्टाइलस में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझसे पूछा गया है कि सर स्टाइलस और लाइट पेन में क्या फ़र्क है, तो सिंपल सा फ़र्क आपको पता भी है कि आप जब मॉनिटर की स्क्रीन पर पेन चलाते हो तो उसमें से क्या होती है, लाइट पेन के अंदर क्या होती है, लाइट निकलती है, उससे वो क्या करते हैं, टच स्क्रीन काम करता है। तो वो बेसिकली उसमें लेजर लाइट का और दूसरी जो लाइट्स होती है उसका उसमें एक करेक्शन है कि उन लाइट के थ्रू ही वो काम करेगी। लेकिन स्टाइलस के अंदर कुछ नहीं है, स्टाइलस सिंपल क्या है, एक प्लास्टिक की एक तरह एक छड़ी बोल सकते हो, वो सिंपल वही है जो आगे से क्या है, थोड़ी सी नुकीली होती है, वो क्या होता है, स्टाइलस होता है। अब स्टाइलस और बेसिकली उसमें यही फर्क होता है लाइट पेन के अंदर, कि लाइट पेन जो होती है वो किस विद लाइट या लेजर के साथ काम करेगी, स्टाइलस के अंदर लाइट लेजर कुछ नहीं होता, सिंपल प्लास्टिक की छड़ी होती है। तो जो टैबलेट होता है टैबलेट के ऊपर आप क्या काम करेगा, आपका स्टाइलस काम करेगा, जो एज ए पेन की तरह टैबलेट के अंदर डेटा इनपुट करने का काम करेगा। और टैबलेट के बाद में जो उससे भी छोटा रूप है उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड टैबलेट, जिसका दूसरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। अब इसको भी देखो कई लोग कहते हैं कि सर इसमें PDA कहाँ पे, तो अभी आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। बेसिकली ये 90s और 2000 तक के अंदर ये शायद खत्म हो चुका था, मेरे हिसाब से 2000-2001 तक इसका चलन बिल्कुल बंद हो चुका था। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूंगा आपको PDA का क्या है। आपने ब्लैकबेरी के फ़ोन देखें, ब्लैकबेरी के फ़ोन कैसे होते हैं, देखो आप मैं ऊपर जो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या होता है उसकी स्क्रीन होती है पूरी, कंप्लीट स्क्रीन है, और यहाँ क्या होते हैं उसका कीपैड होता है। जो कीपैड होता है अभी भी ब्लैकबेरी इस चीज़ को छोड़ नहीं रही है, वो भी ब्लैकबेरी इसी चीज़ को यूज करी, और देख लो इसी कारण ब्लैकबेरी क्या है मार्केट छोड़ चुकी है अपना, और मार्केट से बाहर निकल चुकी है। क्यों, क्योंकि वो अपने इस जो ओल्ड इस जो क्लासिकल डिज़ाइन है उसको ख़त्म नहीं कर रही है। अब हालांकि तो कुछ एक फ़ोन आने चालू हो गए ब्लैकबेरी के जिसके अंदर ये कीपैड होना बंद हो गया, लेकिन बेसिकली अभी भी डिज़ाइन उसका बेसिक ही है। तो ऐसे जो डिज़ाइन होता था पहले जिसके अंदर आप इस प्रकार से छोटा मतलब 8-9 इंच का एक प्रकार से टैबलेट साइज का एक डिवाइस हुआ करती थी, उसके अंदर आप एक स्टाइलस मिलता
था आपको और आप उससे क्या करते थे, उसका डेटा उसमें इनपुट करते थे, आप उसको बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें काम करने के लिए यूज करते थे, तो वो होता था आपका पीडीए। आजकल इसका चलन बंद हो चुका है। तो इसमें देखिए, इंस्टेंट ऑफ द कीबोर्ड पीडीए यूजेज ए पेन और स्टाइलस, बताया था मैंने आपको कि ये स्मॉल साइज का होता है और इसमें क्या यूज होता है, स्टाइलस। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इसका, ये रहा पीडीए, इस प्रकार का होता है पीडीए। तो टैबलेट में ये देख लो, टैबलेट का साइज देख लो और इस पीडीए का साइज देख लो, पता लग जाएगा थोड़ा सा उसे क्या होता है, छोटा होता है कुछ। यहाँ पर देखो टैबलेट के अंदर तो कुछ में यहाँ पर कोई बटन वगैरह कुछ नहीं है, पीडीए के अंदर क्या थे उसमें स्क्रीन टच इतना चलता नहीं था, तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या है बटन दे रखे हैं साथ में। तो ये होता है अपना पीडीए। अब पीडीए के अंदर भी जो सबसे अच्छा जो पीडीए है वो अलग अलग है, लेकिन सबसे जो फेमस हुआ था वो हुआ था एप्पल्स का न्यूटन। एप्पल्स का न्यूटन पीडीए जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बिका गया पीडीए था। तो ये बाद में किसमें बन गए, देखो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स पीडीए हैव मर्ज्ड इनटू मोबाइल फोन्स टू क्रिएट स्मार्टफोन्स। इन पीडीए को थोड़ा छोटा कर दिया और स्मार्टफोन के अंदर फिट कर दिया, और आज के जो ब्लैकबेरी है उन्हीं पीडीए का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद में और छोटा हो रहा है, तो देखो धीमे धीमे चीज़ें क्या हो रही है, छोटी हो रही है। डेस्कटॉप से हम कहाँ पे आए, लैपटॉप पे आ गए, लैपटॉप से फिर हम नेटबुक पे आ गए, 13 इंच से और नीचे आ गए, टैबलेट में 9 इंच पे, अब 9 इंच से और नीचे आ गए हैं पीडीए पर, और पीडीए से नीचे आ गए स्मार्टफोन्स पे। स्मार्टफोन्स कहाँ हो गए, 5 इंच के, 5.25 इंच के, 4 इंच के, ये हो गए अपने स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया सारी पागल है स्मार्टफोन्स के लिए। कौन कौन सी कंपनियों के स्मार्टफोन्स है ये भी आपको पता है, क्या काम करते हैं स्मार्टफोन्स ये भी पता है, इसके बारे में बताने आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर जान लो कि स्मार्टफोन्स हो गए, नेटबुक होगी, पीडीए होगी, नोटबुक होगी यानी लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, और डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। अगली कैटेगरी आती है हमारी मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स दोस्तों क्या होती है, ये देखो यहाँ पर जो एक लाइन है ना, ये इतना ही इसको बताने के लिए इनफ है कि ये जो कंप्यूटर होते हैं बेसिकली इसमें 400 से 200 तक बताया, लेकिन नॉर्मली 100 से 150 तक ही लोग इसको यूज करते हैं। अगर इतने आपके पास में यूजर्स एक साथ आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। और अब इतना सा आप अंडरस्टैंडिंग बात है कि अगर इतने 400 से 200 के आसपास अगर वो यूजर्स साइमल्टेनसली यूज करेंगे तो इसमें प्रोसेसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स जनरली यूज इन मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर के लिए यूज करते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, होना ही है क्योंकि इतने यूजर्स एक साथ साइमल्टेनसली अगर वो प्रोसेसिंग करेंगे तो इतना तो इस पर प्रोसेसिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी हाई होनी चाहिए। दूसरा है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उसके स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। तो वो जो अपने बनाई थी एक प्रकार से स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था इसमें, तो सबसे पहले नीचे क्या था, माइक्रो कंप्यूटर, इसका मतलब सबसे धीमे कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद में क्या चलेगा, उससे फास्ट कौन सा हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होगा, सबसे सस्ता होगा, उससे महंगा क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर्स हो जाएगा। अब मिनी कंप्यूटर्स का बताया मैंने आपको, मिनी कंप्यूटर्स बेसिकली 400 से 200 यूजर्स को साइमल्टेनसली यूज करवाने के लिए किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, द यूजर्स कैन एक्सेस द माइक्रो कंप्यूटर थ्रू देयर पीसी और टर्मिनल, दे आर यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर, जो होते हैं बेसिकली अपने जहां पर क्या होता है, इतने जैसे ब्रांच हो गया, ब्रांच के अंदर आपने बेसिकली 50, 100, 150 के आसपास यूजर्स होते हैं, तो वहां पर वो क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। अब उनमें जितने भी लोग बैठे होते हैं ब्रांच में, उनको क्या होता है, उनका मेन सर्वर होता है, वहां से उनको एक साथ में डेटा चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, PDP-11 और IBM 8000 सीरीज, ये दो किसके एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर्स के। दोनों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने दोनों को इसमें शामिल किया है। PDP-11 और IBM 8000 सीरीज किसके एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसका अगला जो उसका जो सब ब्रदर है सुपर कंप्यूटर, दोनों की टक्कर चलती है। मेन आप कोई क्वेश्चन पूछे आपसे दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, क्यों, दोनों अपने अपने फील्ड में क्या है, पावरफुल है। मैं दोनों को साथ में लेकर चलता हूं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करेगा दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, बात समझ रहे हो, कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को हैंडल करने की कोशिश करेगा। और सुपर कंप्यूटर्स क्या करेगा, किसी भी काम को फटाफट करने की कोशिश करेगा, मतलब आप ये डेटा पे फोकस नहीं करता है, ये काम की प्रोसेसिंग स्पीड पे फोकस करता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा पे फोकस करेगा, स्पीड पे बाद में फोकस करेगा। तो वापस देख लेते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मल्टी यूजर तो होते ही हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, और दे ऑपरेट एट ए वेरी हाई स्पीड, हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये इसका मेन होता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स, मतलब जो 200 तक थे उसको क्रॉस करता है ये, क्यों, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर 400 से 200 तक चलता था, तो ये चलता है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, ये यूजर्स को एक साथ में यूज करवा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड
पावरफुल सिस्टम जनरली यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मतलब जहां पर एक ब्रांच पर है, आपके उस ब्रांच के अंदर डेटाबेस पड़ा है और बाकी सब ब्रांचें उसको एक्सेस कर रही है, तो उस ब्रांच जो डेटाबेस पड़ा होगा वो कौन सा होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, और उसमें सैकड़ों हजारों जो यूजर्स है साथ में जुड़े हुए होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है सेकंड, वो बनता है डम टर्मिनल क्या होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है। देखो इस प्रकार से होता है, ये फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, बीच में मैं इसको लिख रहा हूं एम, ये हैं इनसे जुड़े हुए टर्मिनल, इनको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल को आप भी बोल सकते हैं कि जो इनको रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या होंगे, टर्मिनल। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या होंगे, टर्मिनल। ये रिक्वेस्ट किसको करते हैं, इस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे इस कंप्यूटर को, और ये वापस उसको क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। तो बेसिकली ये सारे कहते हैं ए बी सी डी, ये क्या है, टर्मिनल। अब ये टर्मिनल भी कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डम टर्मिनल, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगर इस ए के पास, फॉर एग्जाम्पल ए टर्मिनल की बात करें, इसके पास अगर एक मॉनिटर है साथ में उसके पास एक कीबोर्ड है, बस दो ही चीजें हैं, और हो सकता है एक माउस हो गया, इसको बोलते हैं डम टर्मिनल। मतलब ये यहां से रिक्वेस्ट करेगा और इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा जाकर रिक्वेस्ट होकर प्रोसेसिंग होकर वापस इसके मॉनिटर पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसके खुद के पास में खुद का प्रोसेसिंग सिस्टम ही नहीं है, सीपीयू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, डम, इसको बोलते हैं डम टर्मिनल। लेकिन अगर सी की बात करें, सी के पास में क्या है, अपना एक मॉनिटर है, उसके पास में एक अपना कीबोर्ड है, एक माउस है, और साथ में अपना एक सीपीयू है जहां पर वो डेटा प्रोसेस करता है, देन दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो जहां पर सीपीयू प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं लगा वो क्या कहलाएगा, डम टर्मिनल, और जहां पर आपका प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीपीयू लगा वो क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। दोनों प्रकार के टर्मिनल मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कितने प्रकार से यूज कर सकता है, अपने डेटा को फेच करवा सकता है, दो प्रकार के टर्मिनल, एक डम टर्मिनल और एक हो गया इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब इसका यूज कहाँ होता है, बेसिकली रेलवे के अंदर, रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर हो गया, बैंक्स के अंदर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डेटाबेस होते हैं वो किन में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ही सेव रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल है सीडीसी 6600 और आईबीएम का ES000। ये जो सीरीज है किसकी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के, इसके बारे में बेसिकली पूछा नहीं जाता। पिछला जो बताया था पीडीपी 11 और आईबीएम 8000 सीरीज, इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप याद कर लेना पीडीपी 11 और आईबीएम 8 सीरीज किसका है, मिनी कंप्यूटर का है। फिर है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स का बताया था, ये क्या करेगा, किसी भी प्रोसेस को जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश करेगा। सुपर कंप्यूटर बनता किस तर्ज पे है, उसके लिए आपको मैंने पहले बता रखा था मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर वहां पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो सैकड़ों लाखों प्रोसेसर को एक साथ में एक जगह बनाया जाता है और उनको फिर एक काम के लिए किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सुपर कंप्यूटर। और इसमें काम कहां पे आता है, बेसिकली ये काम आता है, देखियो नीचे बता रहा हूं आपको, यूज फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाना, क्लाइमेट रिसर्च, क्लाइमेट कितना चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिजाइन, मतलब जो टिपिकल काम होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, हैवी होती है, उनके अंदर क्या यूज होगा, सुपर कंप्यूटर्स का यूज होगा। और अगर बहुत ज्यादा डेटा की बात कर रहा हूं तो डेटा कहां यूज होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज होगा। ये दोनों में फर्क है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्पीड कैसे नापी जाती है, इसकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्वेश्चन बनता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो आंसर क्या होगा, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ट बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, जो बताया मैंने आपको ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल है। वो सब सारे प्रोसेसर साथ साथ में काम करते हैं, तभी कोई भी प्रोसेस है वो इतना फास्ट रूप से कंप्लीट हो पाती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आईबीएम का रोडरनर याद कर लेना, रोडरनर के बारे में पूछा गया, आईबीएम का ब्लू जेन के बारे में पूछा गया है, जो जो पूछेंगे वो सब इसमें लगभग शामिल कर दिए हैं। इंटेल का आस्की रेड पूछा गया, परम जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उसके बारे में पूछा गया है, और इसे किसने बनाया था, सी डेक ने, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग कहां पर है, पुणे, ये भी पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन इसमें से पूछे गए इसलिए मैंने सबको शामिल कर दिया है। अब इसमें लेटेस्ट मैंने अपडेट कर दिया है कि अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा चल रहा है, वो है परम युवा 2। इससे पहले परम युवा था, उससे पहले पद्मा था, लेकिन अभी परम युवा 2 चल रहा है, सबसे लेटेस्ट है, जिसको इस मशीन जो सीरीज है उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो है 529.4 टेरा फ्लॉप्स। ये अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपके सामने इसका आंसर होगा, बाकी पूछने का चांस 100 में से नन के बराबर 0 है। फिर भी मैंने आपको लिख दिया आपके आपको नॉलेज के लिए। क्वेश्चन कहाँ बनते हैं बता दिया, फ्लॉप्स क्या होता है, सुपर कंप्यूटर फास्ट है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर फास्ट है, ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कौन करता है, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम, तो आंसर हो गया सुपर कंप्यूटर। किसने बनाया था, सीडेक ने।
फिर बनाया परम के लेटेस्ट सीरीज कौन सी है, लेटेस्ट का लेटेस्ट सीरीज है युवा 2, इंटेल आस्की रेड, ब्लूजन क्या है, ये क्या है सुपर कंप्यूटर है, पीडीपी 11 क्या है, पीडीपी 11 आपका मिनी कंप्यूटर है, ये बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला माइक्रो कंप्यूटर्स, उसमें किस किस को डालेंगे अपने पीसी, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट, पीडीए और स्मार्टफोन को, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट में सुपर कंप्यूटर्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज के बता दें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से कंप्यूटर फास्ट हैं, कौन से धीमे हैं, कौन से सस्ते हैं, कौन से महंगे हैं, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है और हम आसपास में जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर्स हैं। इसके बावजूद अब किसी का कोई अगर डाउट रहता है तो आप मुझे हमेशा की तरह मेरे मेल आई डी पे और मुझे कमेंट के अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको उसका जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब दूंगा। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, धन्यवाद।